हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने एनालिटिकल कांस्टेंट में सैपोनिफिकेशन वैल्यू पढ़ा। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एस्टर वैल्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ एम जी ऑफ के एच रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई द एस्टर्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। मैडम ये तो सेम है, हमने अभी सैपोनिफिकेशन पढ़ा, उसमें भी यही डेफिनेशन थी, यहाँ पर भी यही डेफिनेशन है, बस यहाँ आपने एस्टर बोल दिया है। लेकिन जब हम सैपोनिफिकेशन कर रहे थे तब भी तो एस्टर बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा था और जाके सोप बन रहा था, तो क्या करें, बड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, आप जहाँ पे भी पढ़ोगे आपको कन्फ्यूजन ही लगेगा एस्टर वैल्यू में। तो इसका एक सिंपल सा आपको मैं फंडा बताती हूँ कि होता क्या है कि जब हम एसिड वैल्यू और सैपोनिफिकेशन वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो एग्जैक्टली हमें पता ये करना होता है कि इस पर्टिकुलर फैट में कितने आपके एस्टर्स के बॉन्ड हैं और कितने फ्री फैटी एसिड हैं। दोनों चीज़ें आप साथ में पता कर रहे हो, ठीक है, और फिर बाद में बचा क्या, ठीक है, बाद में बचा क्या, बचता है ग्लाइसरॉल। तो ये जो मेथड एस्टर वैल्यू है इसमें हमें ये भी पता चलता है मेन चीज कि परसेंटेज ग्लाइसरॉल कितना बन रहा है। ठीक है, तो सिंपली किया क्या जाता है, प्रोसीजर हम बाद में देखेंगे, सेम टू सेम वही चीज है, बस इतनी सी बात है कि एसिड वैल्यू भी निकाल ली जाती है और सैपोनिफिकेशन वैल्यू भी निकाल ली जाती है। तो एस्टर वैल्यू इक्वल्स टू सैपोनिफिकेशन वैल्यू, इसको एस डॉट वी लिख देती हूँ, माइनस एसिड वैल्यू। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो कुल मिला के इसमें निकल क्या रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं। इसमें निकल ये रहा है कि कितना पार्ट जो था इस फैट में, ठीक है, उसमें कितने पार्ट का तो सैपोनिफिकेशन हो गया, मतलब ये जो हमारा सोप की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो वो कितना पार्ट सोप की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसको उसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, जितने फ्री फैटी एसिड्स प्रोड्यूस हुए हमारे पूरे सैंपल के अंदर, पूरे सैंपल के अंदर जो फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट थे जिन्हें हमें एनालाइज करना था वो हमने एनालाइज कर लिया, तो एसिड वैल्यू निकल गई। तो जब सैपोनिफिकेशन वैल्यू में से एसिड वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं तो हमें मिलती है एस्टर वैल्यू। ठीक है, और एस्टर वैल्यू क्या है कि कितने नंबर ऑफ जो एस्टर था, ठीक है, जितना भी एस्टर प्रेजेंट था वो सैपोनिफाई हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ इससे ये क्या पता चल रहा है कि एस्टर कितने प्रेजेंट थे, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें से क्या माइनस कर दिया, जो उसके एसिड वैल्यू थे, जो फ्री फैटी एसिड थे उनको माइनस कर दिया है। तो फ्री फैटी एसिड माइनस हो गए, इसका मतलब हमारे पास जो सैपोनिफिकेशन की वैल्यू आई उसमें से अगर हमने फ्री फैटी एसिड वाली वैल्यू को माइनस कर दिया तो हमारे पास एक्चुअल फिगर एक आ गया कि कितने हमारे पास एस्टर लिंकेज जो थे वो KOH से सोप की फॉर्म में कन्वर्ट हुए। ठीक है, तो इसीलिए माइनस किया जाता है एसिड वैल्यू को सैपोनिफिकेशन वैल्यू में, कि हमें पहले ही हम उसको हटा दें, जितने फ्री फैटी एसिड थे हमने उसे पहले ही हटा दिया है। अब मैं बताती हूँ हटाया कैसे है। ठीक है, तो इसमें किया क्या जाता है, इस सिस्टम में आपने एक सैंपल लिया, मान लीजिए, ठीक है, एक आपके पास सैंपल है, ठीक हो गया, आप कोई फैट का सैंपल है आपके पास, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले अब क्या करते हैं, सबसे सिंपल सा हमारा स्टेप था एसिड वैल्यू वाला, क्या कर रहे थे हम, इसमें सिंपली KOH यूज करके यहां पर क्या करा रहे थे, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड। तो हमने अपने जो सैंपल था उसमें से फ्री फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करा लिया और क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, पूरा ही लिख लो, एसिड वैल्यू।
तो जब न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड, सबसे पहला स्टेप कर लिया ना हमने, हमारे सैंपल के अंदर जितना फ्री फैटी एसिड था प्रेजेंट हमने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है, तो हमें मिल गई एसिड वैल्यू। सेकेंड स्टेप, इसी फ्लास्क के अंदर अब हम नोन क्वांटिटी ऑफ KOH फिर से डालेंगे। यहाँ देखिए कितना KOH गया, जितना न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होना था वो ही गया है, ठीक है, क्योंकि फिनोप्थिलीन हम इसमें ऐड करेंगे, तो जैसे ही कलर चेंज होगा हम KOH डालना बंद कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड हो चुका है, अब हमारी एसिड वैल्यू निकल चुकी है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में हमने निकाली एसिड वैल्यू, सेकेंड स्टेप में अब हम क्या करेंगे, सेम इसके साथ क्या करेंगे, सेपोनिफिकेशन वाला स्टेप फॉलो कर लेंगे। इसी को, इसी सैंपल में हम एक्सेस अमाउंट ऑफ नोन अमाउंट ऑफ KOH डालेंगे, ठीक है, सेम सैंपल में, इसी वाले फ्लास्क में, उसको ट्रांसफर नहीं करना है, सेम में डालना है। तो इसमें हमने डाल दिया 50 ml ऑफ KOH। अब 50 ml ऑफ KOH क्या करेगा, सीधे से हम उसका रिफ्लक्स करा देंगे, हीट कर देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे इसके अंदर। तो क्या करेगा ये एक्सेस अमाउंट ऑफ KOH, जितने भी इसमें एस्टर लिंकेज होंगी, ठीक है, उनको सेपोनिफाई कर देगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेपोनिफिकेशन हो जाएगा इसकी वजह से, ये जो हमने प्रोसेस सेकेंड की है, तो सेपोनिफिकेशन होगा तो क्या मिलेगी हमें, सेपोनिफिकेशन वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखो अब क्या हो गया, इस सैंपल में हमें ये पता चल गया कि एसिड हमने कितना न्यूट्रलाइज किया, और इस सैंपल में हमें ये पता चल गया कि हमने कितने अमाउंट को सेपोनिफाई कर पाए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम आपस में इनका डिफरेंस निकालें, अगर एसिड वैल्यू और सेपोनिफिकेशन वैल्यू का, तो इसके डिफरेंस से हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली कितने एस्टर जो लिंकेज थी ये सेपोनिफाई हुई, ठीक है, क्योंकि टोटल जो था, देखो टोटल एज होल आपने सबसे पहले जब सैंपल लिया था तो उसके अंदर फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड भी थे, एस्टर लिंकेज वाले ये फैटी एसिड्स भी थे जो कि अटैच थे ग्लिसराइड से, ठीक है, तो फ्री फैटी एसिड भी थे और मोनोसैचुरेटेड भी थे, सॉरी मोनो ग्लिसराइड्स भी थे, सॉरी, जिसमें दो में OH लगा था, सिर्फ एक में आपकी एस्टर लिंकेज थी। तो इस सब से हमें क्या पता चल जाएगा कि कितना एक्चुअल में एस्टर वैल्यू आई, कितना एस्टर्स जो थे वो एक्चुअल में बने। तो उसको करने के लिए हमें क्या होता है, निकालना पड़ता है एस्टर वैल्यू को, तो क्या करते हैं, सेपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू, राइट। तो ये है इसका मेन फंडा। अब अगर हमें इसकी एस्टर वैल्यू में से हमें निकालना है परसेंटेज ग्लाइसरीन, ठीक है, तो परसेंटेज ग्लाइसरीन के लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे एस्टर वैल्यू जो हमने निकाली है उसको ग्लिसरीन के फैक्टर से, आईपी में फैक्टर मिल जाता है या फिर फैक्टर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो इसका फैक्टर जो आता है वो आता है 5.054664, ठीक है, तो ग्लिसरीन के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे इस एस्टर वैल्यू को, तो हमें पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन में कितना परसेंट ग्लिसरीन फॉर्म हुआ, ठीक है। यहाँ से हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितना परसेंट ग्लिसरीन या फिर ग्लाइसरॉल फॉर्म हुआ, तो कितना ग्लिसरीन फॉर्म हुआ, इससे डायरेक्टली हमें ये भी पता चलता है कि परसेंटेज ऑफ ग्लिसरीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज ऑफ ग्लिसराइड, जितना ग्लिसराइड एक्चुअल में था, जितने एस्टर बॉन्ड्स एक्चुअल में ब्रेक हुए उतना ही ग्लिसरीन फॉर्म होगा, ठीक है, उसी रेशियो में। तो इसलिए हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि परसेंट ग्लिसरीन को कैलकुलेट करने के लिए भी हम एस्टर वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी बोला जा सकता है, कि कितना अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन फॉर्म हो रहा है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा वैल्यू निकालनी पड़ रही है, तो कुल मिला के हमें ग्लिसरीन का परसेंटेज भी पता चल रहा है। तो अगर हम अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो
हम अभी इसको ट्राइग्लिसराइड अगर ना बोलें तो जो एस्टर वैल्यू है उसका, अगर एस्टर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास एज अ सैम्पल हैं, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के एस्टर फॉर्म में हमारे पास सैम्पल हैं, तो उसकी एस्टर वैल्यू जो एस्टर नंबर होगा वो यूजफुल होगा उसका एसे डिटरमाइन करने में, ठीक है। यानी कि एस्टर वैल्यू और नंबर इज अ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द एसे ऑफ सॉल्वेंट एंड थिनर्स विच आर एस्टर्स और सोल्यूशन ऑफ एस्टर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो भी सोल्यूशन है जो कि एस्टर्स हैं किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनका हमें पता चलता है कि कितना एस्टर लिंकेज है। कुल मिला के हमें पता क्या चलता है एस्टर वैल्यू से कि एस्टर लिंकेज कितनी है, चाहे वो किसी भी टाइप का एस्टर्स हो जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से बना हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो पहला एक सिग्निफिकेंस ये हो गया। दूसरा सिग्निफिकेंस है एस्टर वैल्यू एक्चुअली मेजर्स हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्लिसराइड इज प्रेजेंट इन द सैम्पल ऑयल विच इज सैपोनिफाइएबल, कितना अमाउंट एक्चुअली प्रेजेंट है जो कि सैपोनिफाई हो पा रहा है, ठीक है। तो कितना, जितने एस्टर लिंकेज होंगे उतने ही अमाउंट जो होगा वो सैपोनिफाई हो पाएगा इस सोप में, तो उसको एक्चुअली पता करता है ऐसा एस्टर वैल्यू कि कितना अमाउंट है जो कि सैपोनिफाई हो सकता है। नेक्स्ट इसका जो एक सिग्निफिकेंस है, ग्लाइसरॉल या फिर ग्लिसरीन कंटेंट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड फ्रॉम एस्टर वैल्यू, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है, राइट। तो ये तो था हमारा सारा एस्टर वैल्यू के बारे में। एक बार अगर हम लोग इससे कंपेयर करना चाहें कि एस्टर वैल्यू और सैपोनिफिकेशन वैल्यू के सिग्निफिकेंस में क्या डिफरेंस आएगा, तो अभी मैंने आपको एस्टर वैल्यू के तो सिग्निफिकेंस बता ही दिए हैं, एक बार हम लोग सैपोनिफिकेशन वैल्यू के सिग्निफिकेंस फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उसका पहला सिग्निफिकेंस क्या था, द सैपोनिफिकेशन नंबर ऑफ फैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर वेट, पहली चीज, ठीक है। यानी कि लोअर वैल्यू ऑफ सैपोनिफिकेशन नंबर का मतलब हो जाता है हाई मॉलिकुलर वेट ऑफ फैटी एसिड रेजिड्यू। मतलब कि अगर ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होंगे यहाँ पे, ये जो आपके पास ग्लिसराइड है इसमें लॉन्ग चेन अगर फैटी एसिड है तो डेफिनेटली हायर मॉलिकुलर नंबर होगा। हायर मॉलिकुलर नंबर जिस भी ग्लिसराइड का होता है उनकी जो सैपोनिफिकेशन वैल्यू होती है वो लो आती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा सा इसका एग्जाम्पल होता है ये, सैपोनिफिकेशन का सिग्निफिकेंस होता है कि हमें इससे मॉलिकुलर वेट का अंदाज़ा लग जाता है कि उससे ये पता चल जाता है कि कोई भी फैट जो है वो, अगर हमारा सैपोनिफिकेशन वैल्यू बहुत हाई आई है तो हम कह सकते हैं कि ये जो लिंकेज है ये हमारी जो चेन होगी वो लो मॉलिकुलर वेट की होगी, यानी शॉर्ट चेन होगी। तो ये आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हो जाता है सैपोनिफिकेशन वैल्यू से, ठीक है। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि इसमें एक्चुअल में कितने एस्टर प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए हमें बढ़ना पड़ेगा एस्टर वैल्यू की तरफ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का सिग्निफिकेंस आपको अंतर समझ में आ जाना चाहिए, और लिखना भी, डिफरेंस अगर लिखा जाए कि सिग्निफिकेंस इसका क्या है इसका क्या है तो आप लिख लोगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। और मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा था, तुषार, इन्होंने पूछा था कि एस्टर वैल्यू, सॉरी, इन्होंने पूछा था कि ऐसा कोई रिलेशन है क्या कि हमारे पास सेपोनिफिकेशन वैल्यू या फिर एसिड वैल्यू हो, इनमें से एक हो तो हम दूसरे को कैलकुलेट कर लें। तो उसका आंसर तुषार ये है कि ऐसा एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि हम अगर एस्टर वैल्यू निकाल रहे हैं तब भी हमें दोनों को निकालना ही पड़ेगा, तब हम जाके एस्टर वैल्यू निकाल पाएंगे जिसका सिग्निफिकेंस ही अलग है, ठीक है। तो कुल मिला के एक ऐसी रिएक्शन ये है जिसमें ये पार्टिसिपेट दोनों कर रहे हैं, तो हमें निकालनी तो पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है सैपोनिफिकेशन वैल्यू का ये बिल्कुल डिफरेंट है, और एसिड वैल्यू का प्रोसीजर है और सिग्निफिकेंस है बिल्कुल डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको इन तीनों का सिग्निफिकेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए,
यहाँ ये क्या कर रहा है, एसिड वैल्यू में सिर्फ फ्री फैटी एसिड को कैलकुलेट कर रहा है। तो आप अगर किसी सैंपल के सिर्फ फ्री फैटी एसिड निकाल लोगे तो आप बिना सेपोनिफिकेशन वैल्यू निकाले आप नहीं बता सकते कि कितना अमाउंट जो है वो सेपोनिफाई हुआ है सोप के फॉर्म में। तो कुल मिला के इसका आपस में दोनों का एक पता हो एक ना पता हो तो थोड़ा दिक्कत होगा। हाँ, न्यूमेरिकल में अगर ऐसा आता है कि एस्टर वैल्यू किसी कंपाउंड की एस्टर वैल्यू ये आ रही है, सपोज एक्स ए आ रही है और सेपोनिफिकेशन बी आ रही है, तो बताइए ए वी क्या होगा। इस फॉर्मूले से हम एसिड वैल्यू चलिए एक बार को निकाल सकते हैं अगर हमें एस्टर वैल्यू पता हो, ठीक है। तो और जिसने एस्टर वैल्यू निकाली है तो डेफिनेटली उसने एसिड वैल्यू तो निकाली ही होगी, तो उसका कोई बेस नहीं बनता इस टाइप के न्यूमेरिकल्स का भी, ठीक है। तो आई होप यू गॉट योर आंसर, और कोई भी और डाउट होता है तो प्लीज़ आस्क। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए और नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट, बाय।